जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल मजबूर होकर हमास के साथ नए समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इजरायली सैनिकों ने शुक्रवार को गलती से घिरे गाजा पट्टी के गाजा शहर में अपने ही 3 बंधकों को मार डाला था, और इस घटना को सामने आने के बाद इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को छुड़ाने के लिए नए सिरे से बातचीत के लिए दबाव डाला है, जिससे इजराइल शासन पूरी तरह से बौखला गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हमास से जंग और साइबर हमलों का शिकार इसराइल, अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है इसराइल को। फिलिस्तीनियों के विरुद्ध सैन्य युद्ध में कुछ भी हासिल ना कर पाने वाले जायोनी शासन को एक बड़े साइबर युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसराइल पूरी तरह उलझ कर रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है सभी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी मानते हैं इसराइल एक बहुत बड़ा अपराधी शासन है और इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करके अपना समर्थन जाहिर करें, और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए कमेंट बॉक्स में #FreePalestine लिखें और दुनिया को बताएं कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल ने हमास के साथ नए समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल इसराइली सैनिकों ने शुक्रवार को गलती से घिरे गाजा पट्टी के गाजा शहर में 3 बंधकों को मार डाला। इस घटना के सामने आने के बाद इसराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली मीडिया आउटलेट वाला न्यूज ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बारनेया ने एक नया समझौता करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठक की। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रभावशाली मीडिया आउटलेट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि कतर के प्रधानमंत्री नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मोसाद के प्रमुख से मुलाकात करेंगे। हालांकि वाल्ला न्यूज ने बताया कि ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। मीडिया ने 2 सूत्रों के हवाले से कहा, यह बैठक नए समझौते की शुरुआत है मात्र, नए समझौते की प्रक्रिया लंबी, कठिन और जटिल होगी। CIS के प्रमुख बिल बर्न्स और मिस्र के खुफिया मंत्री जनरल अब्बास कामिल को भी मोसाद प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री के बीच बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। हमास और इसराइल पिछले 24 नवंबर को कतर की मध्यस्थता के माध्यम से एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, जो 7 दिनों तक चला। उस समय हमास ने 110 बंधकों को रिहा कर दिया था। हालांकि 7 दिन बाद समझौते को आगे बढ़ाए बिना कब्जा करने वाली इजरायली सेना ने गाजा पर फिर से बर्बर हमले करना शुरू कर दिया। उस समय इसराइल की युद्धकालीन कैबिनेट ने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया, लेकिन पिछले 17 दिनों में वे एक भी बंधक को जिंदा नहीं बचा सके हैं, बल्कि इसके बजाय एक बंधक को बचाने के दौरान कई अन्य सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है और बंधक भी मारा गया है। उस वक्त हमास ने धमकी दी थी कि इसराइल उनसे बातचीत किए बिना किसी भी बंधक को जिंदा नहीं छुड़ा पाएगा। गाजा में बंधकों के रिश्तेदार अपने प्रियजनों को छुड़ाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले चरमपंथी युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब दबाव में वे फिर से चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली खबर की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अलक्सा तूफान को करीब 70 दिन बीत चुके हैं। अलक्सा तूफान ऑपरेशन में जायोनी शासन को अपने 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ी खुफिया और सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा है। इस पराजय का महत्वपूर्ण कारण गाजा के खिलाफ व्यापक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध अपराधों के सभी उदाहरण सामने आ गए, लेकिन जायोनी शासन अपना कोई भी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, जिसमें कैदियों की रिहाई और हमास का विनाश भी शामिल था। हालांकि पिछले 70 दिनों में जायोनी शासन की विफलताएं और कमजोरियां केवल जटिल सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि इस शासन ने साफटवार क्षेत्र में भी कई कमजोरियों और खतरों का सामना किया। जायोनी शासन के साइबर सुरक्षा संगठनों ने घोषणा की कि पिछले 2 महीनों में व्यक्तिगत जानकारी लीक होने के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक है। बताया जा रहा है कि जायोनी शासन को अपने इतिहास में अब तक के सबसे बड़े साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। साइबर हमलों के इस चरण में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि जायोनी शासन पहले से कहीं अधिक संयुक्त सैन्य, खुफिया, सामाजिक, वास्तव में बड़े पैमाने पर
साइबर हमले जायोनियों के अपराधों पर जवाबी कार्यवाही है। तीसरा ये है कि जायोनी शासन के खिलाफ साइबर हमलों में व्यापक लक्ष्य शामिल हैं और ये कुछ खास संस्थानों और संगठनों तक सीमित नहीं है। रेलवे विभाग, जल शोधन और वितरण केंद्र, समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया, खुफिया और सैन्य संस्थानों सहित कई अन्य संस्थानों को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। चौथा यह कि कुछ साइबर हमले जवाबी कार्यवाही का हिस्सा हैं। उदाहरण स्वरूप, साइबर एवेंजर्स के समूह ने जल शोधन और वितरण केंद्र पर हमला किया और इस कार्रवाई को इसराइल की ओर से गाजा पट्टी में पानी की कटौती का जवाब करार दिया गया और आंख के बदले आंख का संदेश इसराइल अधिकारियों को भेजा गया। अलक्सा तूफान की तरह साइबर युद्ध ने जायोनी शासन की प्रतिरोधक शक्ति पर सवाल उठा दिया है और इसकी खुफिया और सैन्य शक्ति की पोल खोल दी है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल देखो इंडिया में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।